आज ग्राम सभा तिवाड़ गांव में माधवी वर्थवाल जी जो पद्मश्री से सम्मानित है, वो मातृशक्ति को लोकल गायन और उनको किस प्रकार से जो है मंगल गीत पर्यटकों को के सामने प्रस्तुत करना है और पर्यटकों का स्वागत करना है उसमें सिखा रही हैं। साथ ही वेशभूषा के बारे में, गढ़वाल की वेशभूषा और गढ़वाल के पकवानों के बारे में वो उनको सिखा रही हैं, जिससे कि हमारी जो गांव की महिलाएं हैं निश्चित तौर से समृद्ध होंगी। साथ ही साथ जो चित्रकार अनुराग रमोला जी हैं, जो प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित भी हैं, वो भी यहाँ पर पेंटिंग कर रहे हैं। आप मेरे पीछे भी देखेंगे, उनके साथ पूरे 40 बच्चों की जो टीम है यहाँ पहुँची है। हम पूरे गांव ने उनका पहले स्वागत किया और उसके बाद प्रत्येक मकानों की दीवारों पर इस प्रकार की सज्जा की जा रही है, जिससे कि पर्यटकों का स्वागत किया जाएगा। पैर सो जाते कई बार, तो जो भी अकड़ है वो खत्म होगी। ये हमने कुछ बैठ करके जो अभ्यास होते हैं उनको किया। अब सब लोग जो है आगे की ओर मुंह करके सो जमीन में लेट जाएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो सभी बताते हैं ना, ये इस तरीके से तो कोई ऐसे गालों में ऐसे लेट जाए कोई समस्या नहीं। अब एक एक पैर को कमर की तरफ लाना है, ये बहुत बड़ा रामबाण, जिनको कमर दर्द की समस्या होती है परेशानी उनके। 1 2 1 2 वाचिका प्रणव उस ईश्वर का बोधक शब्द ओम है, जिसकी नम्रता से स्तुत की जाए वह है प्रणव कहलाता, अर्थात ओम तालियां बजाइए। सर सब कृपा करें। राम रखी देवी जी, वैभव सुंदर सिंह जी और मामा जी साथ में आ जाएं। बहुत सुंदर गीत सीखा हमारी पप्पू ने, थोड़ा तालियां बजाओ। देखो इस उम्र में भी रात को भी आ रही थी रोटी बनाने, सुबह गाना गाने भी आ रही थी, योगा करने भी आ रही थी, है ना। और मामा जी भी आज जो है बड़ा प्रभावित हुए योगा देख के। ये दोनों है मामा जी हैं। बोल गंगा मैया की, बोल भैरव देवता की, बोलिए भैरव देवता।
निवेदन करूंगा कि आप आपको पुरस्कृत कर गुरुजी आप साथ में पुरस्कृत कर। अनीता देवी राय सिंह साथ आप यहाँ पर रहे, आपका स्वागत के लिए मैं गुरुजी से भी निवेदन करूंगा और आपके और बच्चे के साथ जो है आपको स्वागत करेंगे गुरुजी। शुभकामनाएं मंगल कामनाएं बहुत करो योग।